Hello everybody, welcome to History by SRB. So in this video, we are going to discuss the topic, the French society during the late 18th century. यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस के सामाजिक स्थिति क्या थी, फ्रांस के समाज की कंडीशन क्या थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये चूंकि समरी पार्ट होगा, इसलिए हम समरी में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक वाइज जाएंगे, जो भी बुक्स में दी गई है लाइन बाय लाइन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस टॉपिक द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो आखिर ये 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पीछे सामाजिक स्थिति, जो सोशल कंडीशन थी फ्रांस की, सामाजिक जो स्थिति थी 1789 के पहले, यह एक बहुत बड़ा रोल, इसने बहुत बड़े एक रोल प्ले किया था मूवमेंट को लाने में, यानी कि 1789 के क्रांति को स्टार्ट करने में. तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या कंडीशन थी, कौन से ऐसे सिचुएशन था समाज में, फ्रांस के समाज में, जो एक बड़ा कारण बना फ्रांस की क्रांति के लिए, जो 1789 में हुई थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी डिस्कस अबाउट द सिचुएशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. तो फ्रांस की सामाजिक स्थिति क्या थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी, वह डिवीजन थी, बटा हुआ था स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में बटे हुए थे. बेसिकली कौन थे? तीन स्टेट्स में बटे हुए थे. तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर स्टेट्स. और ये तीन स्टेट्स कौन थे? तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जिसको वहां पर कही जाती थी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. नाउ वी हैव टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप, व्हाट ग्रुप कम्स अंडर दिस थ्री ग्रुप्स एंड थ्री स्टेट्स. तो ये थ्री स्टेट जो थे, इन स्टेट्स में कौन कौन से ग्रुप के लोग आते थे, इसे हमें जानना है. तो फर्स्ट स्टेट इंक्लूडेड क्लर्जी पीपल. तो ये फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे. सेकेंड स्टेट में कौन थे? नोबिलिटी होते थे. और थर्ड स्टेट में दो ग्रुप थे. थर्ड स्टेट में जो गरीब किसान थे और अमीर किसान थे, इनका एक ग्रुप था. जैसे कि आपको बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिशियल्स है एंड लॉयर्स है. तो थर्ड स्टेट के दो ग्रुप्स थे. तो फर्स्ट ग्रुप में कौन था? बिग बिजनेसमैन, यानी जो बड़े व्यापारी थे, वे थर्ड स्टेट में आते थे. इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट मीन्स जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग भी थर्ड स्टेट में आते थे. नेक्स्ट है कोर्ट ऑफिशियल्स, यानी राजा के दरबार में जो लोग काम करते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, वे भी थर्ड स्टेट में थे. एंड लॉयर्स, और जो लॉयर्स थे वे थर्ड स्टेट में भी आते थे. तो ये थर्ड स्टेट का फर्स्ट ग्रुप हुआ. इसके अलावा थर्ड स्टेट में सेकेंड ग्रुप के भी लोग थे, जो कौन थे? दे वर स्मॉल पीजेंट्स, जो छोटे छोटे किसान थे. तो छोटे किसान भी थर्ड स्टेट में आते थे. नेक्स्ट है लैंडलेस लेबर, यानी कि वैसे किसान, वैसे मजदूर जिसकी जमीनें, अपनी जमीनें नहीं होती थी, लैंडलेस लेबर आते थे, जिनकी अपनी जमीन नहीं होती थी. एंड नेक्स्ट वन दैट सर्वेंट्स, और जो नौकर टाइप के होते थे, नौकर होते थे वे. तो थर्ड स्टेट में ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट थर्ड स्टेट में दो ग्रुप के लोग आते थे, यानी बिग जो किसान होते थे, बिग पीजेंट्स होते थे, बड़े किसान, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स, और जो भी जिनके पास पैसे होते थे, जिन किसानों के पास, वे आते थे आपके थर्ड स्टेट के फर्स्ट ग्रुप में. और सेकंड में, थर्ड स्टेट में ही सेकंड में कौन आते थे? सेकंड में आते थे जो गरीब किसान होते थे, मजदूर है, नौकर है, गरीब किसान है, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है. तो दीज पीपल ऑल्सो कम अंडर थर्ड स्टेट. तो नाउ इट इज क्लियर कि फ्रांस का समाज तीन पार्ट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में कौन हो गए? क्लर्जी. सेकेंड स्टेट में कौन हो गए? नोबिलिटी, यानी नोबल्स. तीन नोबल्स कौन थे? नोबल्स वे थे जो बहुत पैसे वाले होते थे, जिनका राजा से संपर्क होता था, राजा के दरबार में काम करते थे, और जमींदार होते थे, बड़े पैसे वाले होते थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी. तो ये ग्रुप जो था, ये नोबल्स कहे जाते थे, जो कि सेकेंड स्टेट में आते थे. क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट स्टेट, क्लर्जी. अब ये क्लर्जी कौन थे? क्लर्जी दोज हु वर एसोसिएटेड विद द चर्च, जो चर्च के लोग होते थे, चर्च में अपनी सेवाएं देते थे, जिसे हिंदी में लोग पादरी कहते हैं. ये चर्च के लोग ही फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे, जिसे हम लोग
क्लेर्जी कहा जाता है। सेकंड में नॉबिलिटी, नॉबिलिटी में कौन थे, जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, बहुत बड़े जमींदार होते थे, पैसे वाले होते थे, या उनके साथ उठना बैठना होता था, ये नॉबल्स हो गए। और थर्ड स्टेट में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेट, ये फ्रांस की सामाजिक स्थिति थी। जैसे हमारे कंट्री में रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर फ्रांस का समाज बटा हुआ था थ्री स्टेट्स में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इट वॉज द कंडीशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लास्ट में, ये फ्रांस की सामाजिक स्थिति यही थी। अब ये देखना है कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हर किसी की कंट्री का एक सामाजिक स्थिति होता है, सोशल स्टेटस होता है, सोशल कंडीशन होता है, तो इससे प्रॉब्लम क्या थी। अब ये देखना है नेक्स्ट स्टेप में, आखिर वहां पर क्या प्रॉब्लम्स थी इस सिचुएशन से। अब यदि हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन में देखो क्या था, पॉपुलेशन में जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, तो पीजेंट्स का पॉपुलेशन वहां 90% था। कितना? 90% था। जबकि अदर जो थे, किसानों को छोड़ करके जो भी पॉपुलेशन थी, उसका कितना परसेंट हुआ? 10% हुआ। तो 90% किसानों का था और 10% अदर सेक्शन का था। बट यदि हम, तो ये होना क्या चाहिए, यदि 90% किसानों का पॉपुलेशन है, तो जमीन किसके पास अधिक होनी चाहिए? किसानों के पास होनी चाहिए। बट यहाँ पर सिचुएशन जस्ट अपोजिट था। यहाँ क्या था, ये जो लैंड की सिचुएशन थी, लैंड ओनर कौन थे, 60% जमीनों पर किसका अधिकार था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट्स के जो लोग थे, सेकेंड स्टेट्स के जो लोग थे, और थर्ड स्टेट के जो अमीर किसान थे, मैंने कहा था वी हैव डिस्कस्ड रिच पीजेंट्स, तो ये जो रिच पीजेंट्स थे, बिग बिजनेसमैन थे, इनके पास 60% फ्रांस की जमीन 60% इनके पास थी। जबकि पॉपुलेशन में कौन अधिक थे, किसान की संख्या अधिक थी, 90% किसान थे, बट 60% जमीनों का मालिक किसान नहीं थे। तो इट वॉज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब नाउ नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं टैक्स की। तो नेक्स्ट कंडीशन, व्हाट वाज द नेक्स्ट सिचुएशन, तो नेक्स्ट सिचुएशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टैक्स। तो टैक्स वहां पर कौन पे करते थे, तो टैक्स की जब बात आती है, यहां पर भी फर्स्ट स्टेट के लोगों को और सेकेंड स्टेट के लोगों को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलते थे, बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। मेनी प्रिविलेजेस वर गिवन टू द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, बट थर्ड स्टेट्स हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट्स और सेकेंड स्टेट्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, बट थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट में जो किसान थे, गरीब किसान थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, इनके पास किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, किसी तरह कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। और एक्स्ट्रा में क्या था, टैक्स की जो बात हम लोग कर रहे थे, भी टैक्स कौन पे करते थे, जब भी सरकार टैक्स इंप्लीमेंट करती थी, जब भी टैक्स देने की बारी आती थी, तो टैक्स कौन पे करेगा, नो फर्स्ट स्टेट नो सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट्स के लोग और सेकेंड स्टेट्स के लोगों को टैक्स पे नहीं करना था, दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स। ये सारे टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था। तो दिस वॉज द कंडीशन, दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये हम लोग अभी समरी हमने देखा, हमने डिस्कस किया क्या कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो सामाजिक स्थिति में हम लोग फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सामाजिक स्थिति, फ्रांस का जो सोशल कंडीशन था, सोशल स्टेटस था, वो क्या था। यहाँ पर फ्रांस थ्री स्टेट्स में बटे हुए थे, तीन स्टेट में बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। टैक्स की बात करें, तो टैक्स किसे पे करना पड़ता था, ओनली एंड ओनली थर्ड स्टेट्स पीपल को टैक्स पे करना पड़ता था। और जमीनें किसके पास ज्यादा थी, तो जमीनें पीजेंट्स के पास अधिक नहीं थी, पीजेंट्स के पास मात्र कितनी परसेंट थी, 40% लैंड ही पीजेंट्स के पास थी। बट पॉपुलेशन किसका अधिक था, पीजेंट्स का, कितना, 90% पॉपुलेशन पीजेंट की थी। तो इट वॉज द सिचुएशन, इट वॉज द कंडीशन ऑफ फ्रांस इन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये फ्रांस की सामाजिक स्थिति थी और ये कंडीशन थी फ्रांस की, कब, 1789 के टाइम में, यानी कि ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो यहां पर हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी मैंने इस टॉपिक का समरी बताया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि लाइन बाय लाइन, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, इस टॉपिक को
इस टॉपिक को अब लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो टेल अस दैट सर आई वॉन्ट टू नो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में इट टेक्स मिनट मच टाइम्स, बहुत सारा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, दो पार्ट में इसको क्लियर करेंगे हम लोग, एक पार्ट इस समरी हो गया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू द बुक हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।